नमस्कार, मैं इंसमातुर, आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। और हम लोग इस समय मौजूद हैं संजय नगर गुरुद्वारे में, जहां पर सिख संगत जो है, जो कीर्तन शब्द कीर्तन चल रहा है वो सुनकर निहाल हो रही है। आइए जानते हैं जो आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, क्या मान्यताएं इसकी और कब से जो है ये सब जो संगत है वो इस तरीके से कीर्तन करती हुई नजर आ रही है। आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का पर्व मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिन्हें तेग बहादुर हिंद की चादर भी कहा जाता है, जिन्होंने तिलक जंजेऊ की रक्षा के लिए जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर पातशाह के पास आए कि हमारा धर्म खतरे में है और हमें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने एक संदेश भिजवाया था औरंगजेब को कि अगर सभी हिंदू गुरु तेग बहादुर पातशाह को अपना गुरु मानते हैं और अगर गुरु तेग बहादुर पातशाह इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो सभी हिंदू इस्लाम कबूल कर लेंगे, इसलिए वो ये कत्लेआम बंद करे। उन्होंने ऐसा ही किया। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने एक धर्म को बचाने के लिए, मानवता को बढ़ाने के लिए अपना शहीदी दी, अपना बलिदान दिया और चौकी चौराहे में जाके उनका शीश धड़ से अलग करके उनको शहीद किया गया। उन्हीं की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम जो बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, राइट टू फ्रीडम की, उसी ह्यूमन राइट्स के लिए गुरु तेग बहादुर पातशाह ने दूसरे के धर्म बचाने के लिए भी अपनी शहीदी दी और लोगों को ये ज्ञान दिया कि हमारे को भले विभिन्नताएं हों, हम अलग अलग मज़हब के हों, तब भी एक दूसरे के मज़हब का सम्मान करना चाहिए और जबरन किसी को अपने मज़हब में एंटर नहीं करवाना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर नौवें पातशाह तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौ ने दियावे ताए, सब थाई हुए सहाय। गुरु तेग बहादुर साहब ऐसे गुरु हैं हमारे, वैसे तो सब गुरु एक जैसे हैं, इनका ओट आसरा हर आदमी लेना चाहता है। इन्होंने चांदनी चौक में इनको शहीद कर दिया गया था औरंगजेब ने, कि इनको बड़ी यातनाएं दी, 8 दिन तक कैद में रखा और उसके बाद आज के दिन औरंगजेब का नामो निशान नहीं है और गुरु तेग बहादुर साहब जी को पूरे वर्ल्ड में शहीदी पूरा भी मनाया जाता है। आज पावन प्रकाश पर्व है, बड़ी श्रद्धा से बरेली की संगत बड़ी धूमधाम से मनाती है और इस गुरुद्वारा बरेली में जो गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा मनियारो गली में, वहाँ पूरी बरेली की संगत आती है और जो मनोकामना लेके आती है उस गुरुद्वारे में, उसकी मनोकामना चाहे किसी धर्म का हो उसकी पूर्ण होती है। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम है कि जो आदमी जिस मन से आता है उसकी इच्छा पूरी होए, यही मुझे विनती करनी थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु फतेह। सर, आज आप आए हैं, प्रकाश पर्व मन रहा है 400 साल बाद, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, संदेश तो बड़ा क्लियर है। गुरु तेग बहादुर का जो संदेश है वही संदेश आज स्मरण करने की जरूरत है जी। पूरे देश के लिए, पूरे संस्कृति के लिए जितना बड़ा बलिदान सिख गुरुओं ने किया है उसको तो कभी उसको उतारा नहीं जा सकता। आज इस प्रकाश पर्व में आकर मुझे अपार खुशी हुई और मैंने आशीर्वाद लिया गुरुजन का और साथ साथ प्रसाद भी लिया और बहुत हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और ऐसे पर्व जो है हमारे पूरे संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। हम सबके 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी की इस जयंती पर सभी समाज को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, बरेली नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्हें हिंद की चादर कहा जाता था और एक ऐसे गुरु हुए जो उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया और समाज को एक मजबूती और शक्तिशाली प्रदान करने का काम किया। हम सबको उनके आदर्शों के, उनके मार्गदर्शन चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं उनको पुनः प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि हमें उनके सुझाए गए मार्ग पर अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल। आज आप यहाँ पर आए हैं, बरेली वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पहले तो मैं सभी को लख लख बधाइयाँ देना चाहता हूँ और साथ ही में संदेश एक ही है कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। ऐसे मौक़ों पर भी खास तौर से आपस में मिलजुल कर सौहार्द बना कर रखें और अपने खुद के और अपने शहर की तरक्की के लिए काम करें।
जैसा कि आपने कहा कि अभी जो है कई काम और होने हैं, विकास कार्य के होने हैं, स्वच्छ बनाकर रखे हैं, अभी आपने कुछ भी एक घोषणा की है, क्या है वो चीज़? देखिए, गुरुद्वारा जनकपुरी के सामने रोड पर एक कट की बात है, तो मैंने कहा है ये तो वहाँ की सिख संगत तय करेगी कि वहाँ कैसा कट होना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। जैसा वो चाहेंगे बिल्कुल वैसा कट बनेगा और सुंदर बनेगा, जिससे कि वहाँ गुरुद्वारे की शोभा और बढ़े, तो ये काम होगा। इसमें कोई और एक स्कूल के पानी भरने की बात है कि वहाँ पे पानी भर रहा है, तो उसको मैंने कहा है कि उसकी भी मुझे एप्लीकेशन दें, निश्चित रूप से उसके पानी के निकास की व्यवस्था तत्काल की जाएगी।